वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं डबल चॉकलेट कुकीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बटर, ये मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा था। ये नॉर्मल हमारा अमूल का बटर है, सॉल्टेड वाला। नेक्स्ट हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही डिलीशियस कुकीज बनने वाली है क्योंकि ये डबल चॉकलेट कुकीज है। ये हमारा बटर और शुगर भी मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। एंड ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा। इसे भी एक अच्छा मिक्स कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा। अगर आपको ये च्यूई टेक्सचर चाहिए तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मुझे क्रिस्पी पसंद है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। एंड मिल्क। इसे अच्छे से एक मिक्स देंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें अपना डो, तो मिल्क एकदम धीरे धीरे करके हम डालेंगे इसमें। इसमें ऐड करेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट। ये चॉकलेट इसमें ऐड कर देंगे। अब हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा डो का जो भी पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा स्मूथ चॉकलेट कुकी डो एकदम रेडी हो चुका है। अब हमें इसे फ्रीज करना है फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। तो चलिए इसे फ्रीज करके हम दोबारा मिलते हैं। सो गाइस, हमारा डो अच्छे से फ्रीज हो चुका है। अब हम एक बार और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस डो की रफली बॉल बनाएंगे और हमारी बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। इसी तरीके से पूरे डो को हमें बॉल्स बना के इसमें रखना है। जैसे कि ये डबल चॉकलेट कुकीज है तो इसमें हम और चॉकलेट ऊपर से ऐड करेंगे।
गाइस हमारी कुकीज रेडी है हमारे ओवन में जाने के लिए। हमें इसे 160 डिग्रीज पे बेक करना है फॉर 15 टू 17 मिनट्स। सो गाइस हमारी कुकीज रेडी हो चुकी है, आप भी प्लीज इसे ट्राई करिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।